बाबा की जान ने कंप्लीट रेस्ट करना है, अब खेलना मत, ठीक है? बाबा आप मेरे लिए फ्रूट केक और केले भिजवा दीजिएगा और सारी आंटी को बोलिएगा कि मेरे लिए कस्टर्ड बना दे, क्योंकि मैं रोटी तो नहीं खा सकती ना। हाँ ये तो है। ठीक है, मैं चाचू के हाथ कस्टर्ड का सामान भिजवा दूंगा। सादिया काइंडली आप इनको कस्टर्ड बना दीजिएगा। जी सर जी। तो पिज्जा और बर्गर तो नहीं चाहिए? ठीक है फिर पिंकी के लिए। क्यों पिंकी? पिंकी बहन का ख्याल रखना। ठीक है ओके मेरी जान, मैं चलता हूँ। क्या है ये सब? घर छोड़ के चले जाना मसले का हल नहीं है सबा। इस वक्त घर वालों को तुम्हारी और तुम्हें घर वालों की जरूरत है। इतना कुछ कहा आपने राशिद, सिर्फ इतना कह देते कि सबा मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया और आज मुझ पर हाथ उठाकर मेरी बची कुछ उम्मीद भी मिट्टी में मिला दी। बैठो, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जब तुमने मेरी बेटियों की मौत की बात की तो मैं आपे से बाहर हो गया। खुद बताओ कोई भी बाप इतनी बड़ी बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सबा मुझे तुमसे मोहब्बत की नहीं, इंसानियत की तवक्कुस जरूर। तुम्हारे अपने इलाज के लिए तुम्हारे इस घर में रुकना बहुत जरूरी है। अगर हो सके तुम मत जाओ। ये क्या हुआ? भाई 50 का आलू गोश्त का सालन दे। छोटू 50 का आलू गोश्त दे। भाभी कयूम अपना यार है यार, बस थोड़ा सा बेवकूफ है, जो कमाता है सब जुए में उड़ा देता है। भाई मैं तो उसे समझा समझा के थक गई, लेकिन मेरी एक नहीं सुनता। आप उसे समझाए ना, तो उसके अच्छे दोस्त हैं। मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी मुझे याद आया आपके हाथ की बिरयानी खाई थी एक दफा, बहुत ही उमदा और लजीज थी, पेट भर गया मगर नियत नहीं भरी मेरी। शुक्रिया भाई। मैं सोच रहा था क्यों ना बिरयानी का ठिया भी लगा लूँ यहाँ आपके घर, बिरयानी का सामान भिजवा दिया करूँगा और 400 रुपये बनवाई भी दे दिया करूँगा। मुझे यकीन है दूर दूर से आपके हाथ की बिरयानी खाने लोग आएंगे मेरे होटल। हाँ हाँ भाई बना दिया करूँगी, इस बहाने मेरे हाथ भी कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन एक बार ना कयूम से मशवरा करें फिर आपको बताऊंगी। मुझे आपके जवाब का इंतजार है।
हसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान, इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो? दादू, किसी ने मुझे बोला था कि अगर खुली हवा में बाबा को याद करूँगा तो उनकी रूह मुझसे मिलने आएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। बच्चों को इस वक्त इस तरह से कभी बाहर नहीं बैठना चाहिए। हाँ चलो अब कमरे में चलते हैं। अच्छा अगर मुझे कुछ हो गया ना तो आप हमारी बच्चियों का ख्याल रखिए, उन्हें कभी माँ की कमी महसूस मत होने दीजिए। मेरी तरफ से जाके मर जाओ, भाड़ में जाओ। देखो बेटा, आइंदा इस वक्त कभी बाहर मत जाना। Thank you.
मैं पूछती हूँ कौन है यहाँ? मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों के साथ किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। पिछली बार तो मैं अतीका बीबी को नहीं बता सकती, लेकिन इस बार तुम्हें यकीन दिला के रहो। स्वामी की आवाजों में बातें करती।